कार्यक्रम में आप हैं प्रीति के साथ और हमारे साथ जो संगीत शिरोमणि है उनकी आवाज की झलक हो जाए बसंती राजा हो अरे आव सैया पलटनिया सैया पलटनिया सरसों के फुलवा लह रही ले हो लह रही ले हो आवसैया पलटनिया जठर जरैया हो सैया फर के गमैला जियत मोह बजे तू अब न गैला के पोरे पोरे पीर लहरई रही ले हो। अरे फगुआ के दिन आव सैया पलटनिया आव सैया पलटनिया आव सैया पलटनिया सावन आए या ना आए जिया जब झूमे सावन है सावन की मस्ती बरखा की रिमझिम और बसंती बयार की सुगंध इन तीनों का संगम अगर आपको देखना हो तो एक ही आवाज में आपको मिल सकता है जो कि हमसे खुद कहती है मुझको तुम उल्लास समझ लो हर जीवन के उत्सव का बिल्कुल नाचूंगी मैं गाऊंगी झूम झूम लहराऊंगी सावन में बरसात बनू मैं फिर फागुन में होली रे गीत बसंती गाऊंगी झूम झूम लहराऊंगी जी आज की मास्ट्रो यानी संगीत शिरोमणि हमारे साथ जो है वो गीतकार भी है संगीतकार भी है और उम्दा कलाकार भी है या यू कहें संगीत का पूरा संगम है और आज हमारे साथ स्टूडियो में लोक गायिका विजया भारती विजया जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी और आपके साथ बैठकर बहुत आनंद मैं पहले से अनुभव कर रही हूँ मैं अपने तमाम सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ बहुत सुरीला गाती हैं बहुत मधुर गाती हैं विजया जी जब भी आपको सुनती हूँ ऐसा प्रतीत होता है मानो एक अलग सी दुनिया में आप हमें ले गई ये बताइए कि फिल्में वगैरह देखती हैं कि नहीं मुझे देखती मुझे फिल्मों का बहुत शौक है और प्रीति जी बताओ की हर कलाकार एक थोड़ा बड़ा होता है एक समझदार उम्र में पहुँचता है से समझ में आता है कि हमें क्या सुनना चाहिए क्या गाना चाहिए क्या नहीं लेकिन शुरुआत तो रेडियो से ही हुई है मेरी रेडियो मेरा गुरु है और फिल्मी गाने सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ और आज भी सुनती हूँ अच्छा ये बताइए कभी चोरी छिपे फिल्में देखी क्या चोरी छिपे देखने की जरुरत नहीं पड़ी हाँ बहुत मनाना पड़ता था मम्मी को जब छोटी थी तो, तो नून शो आता था हमारे शहर में ग्यारह बारह बजे से दिन में तो उसमें पुरानी फिल्मे लगती थी जिसका मुझे बहुत ज्यादा शौक पुराने गानों को सुनने का सीखने का विजय जी कब ऐसे मन आया कि हम गुनगुनाना चाहते हैं गाना चाहते हैं इस दिशा में आप अपना भविष्य देख रही थी तो ये सपना कब साकार हुआ और कब मन में ये बात उठी आपने बहुत सारे सवाल एक साथ बोल दिए कब मन ने चाहा तो मन ने तो मैंने होश संभाला तो गाते हुए ही संभाला दो तो ढाई साल की उम्र में मेरे मम्मी पापा ने मेरे नटखटपन से मेरे संगीत के पागलपन को देखते हुए मतलब जिस समय बच्चे चड्डी संभालते हैं पकड़ के दौड़ते हैं मैं बस गाना गाती थी उस समय मुझे याद है कि वो किशोर जी का गाना आता था जिंदगी एक सफर है सुहाना वो बोलते हैं ना कल ले, क्या है ले, 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 ले। मेरे मम्मी पापा बताते हैं हुँ। कि हु बहु नकल करते हुए मैं बच्चे दौड़ के खेलते हैं मैं कोई गाना गाते हुए दौड़ जाती थी तंग होकर मुझे स्कूल में एडमिशन करा दिया बहुत छोटी उम्र में और स्कूल के फंक्शन में मैं उसी छोटी उम्र में बहुत सारे गाने गाती थी जी जी सिर्फ रेडियो से और शहरों में जो लाउड स्पीकर बजा करते थे उस समय तो वो सुनकर गाती थी जब धीरे धीरे बढ़ती गई किया तो मुझे लगा कि गाने के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती सपना नहीं बहुत देखा था ईश्वर मुझे यहाँ तक कामयाबी देंगे ये मैंने नहीं सोचा था बस मैं चाहती थी कि मैं गाती रहू गाती रहू पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी न छूटे और ये सपना कैसे धीरे धीरे साकार हुआ वो तो अलग कहानी है तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा आपको है ना बहुत तो नहीं रहा शुरू में शुरू में बहुत मनाना पड़ा कि मुझे सीखने की इजाजत मिले अब तो समय बहुत बदला है प्रीति जी लेकिन उस समय बहुत संकीर्णता थी माता पिता अगर बच्चे की प्रतिभा के आगे तैयार भी हो जाते थे तो रिश्ते नाते गाँव समाज नहीं बोलते थे बोलते थे क्या मंच पे गाना गाएगी कहाँ ले जा रहे हो अपनी बेटी को पापा अगर किसी मंच पे मुझे गाने के लिए ले जाते थे तारीफे होती थी तो हर माता पिता को अच्छा लगता है लेकिन बहुत झेलना पड़ता फिर थक के मम्मी पापा ने कहा कि नहीं 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 गाना है लेकिन अच्छा ये बात भी उठी कि नहीं गाना हाँ नहीं। ये सब तो बहुत कुछ हुआ लेकिन मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकती थी मैं गाती रही गाती रही सीखती रही छुपा छुपा के सीखती रही हारमोनियम नहीं था मेरे पास साधारण परिवार की बेटी हूँ बहुत समृद्धि उस समय नहीं थी जी। कि हम चाहे जो और वो हमें मिल जाए हमारे पास बहुत छोटा सा एक ट्रांजिस्टर था वो भी मेरा भाई जब जो सवेरे जल्दी जागता था वो हड़प लेता था अच्छा अगर उसने जो पहले उठा उसी का हो उसी गया। का हो गया अब जिसमें लड़ाई होती थी लड़ाई में ट्रांजिस्टर पे इतनी पिटाई होती थी कि वो बसते बसते बंद हो जाता फिर उसको ठोकना पड़ता था फिर बसता था तो इसी तरह से टेप रिकॉर्डर की बड़ी इच्छा होती थी नहीं ले पाते थे हाँ हाँ। हारमोनियम चार सौ रुपये में मिलता था चार सौ रुपया बहुत बड़ी बात थी उस समय तो मैं अपनी सहेली के यहाँ से मांग के हारमोनियम दो दिन तीन दिन के लिए लाती थी और बिना सिखाए मेरी उंगलियां हारमोनियम पे चलने लगी आपने विधिवत शिक्षा नहीं ली, ली बाद में, बाद में, ली।, में ली, लेकिन शुरू में ही मुझे कोई भी गाना कोई बता देता था मैं अपने आप मेरी बहुत बाएं हाथ से लोग दाएं हाथ से बजाते हैं मैं बाएं हाथ से हारमोनियम बजाती हूँ अब कोई गाना बता दीजिए मैं देखूंगी भी नहीं मैं बजाने लगूंगी तो ये सब देखते हुए मेरे स्कूल के टीचर बोलते थे गुरुजी संगीत के जो थे स्कूल में बेटा तुम सीखो बेटा तुम सीखो बेटा फिर एक बार हमारे शहर में शिक्षा मंत्री आए अच्छा तो मैं उस समय बारह तेरह साल की रही होंगी और मैं चूंकि बहुत कम उम्र से मैंने पढ़ाई शुरू की दो क्लास पढ़ाई भी नहीं की क्लास टू से सीधा क्लास फाइव में गई तो थर्टीन ईयर में मैंने टेंथ कर लिया बड़ी जल्दी कर हाँ, लिया तो शिक्षा मंत्री आए सारे स्कूलों का फंक्शन था वहाँ उन्होंने मुझे ऐसे ही बिना साज बाज के माइक पे गाते हुए सुना सावन के झूले पड़े तुम चले आओ क्या बात है और दूसरा गाना ये कैसा सुर मंदिर है जिसमे संगीत ने उन्होंने कहा बेटा इतनी छोटी बच्ची किसकी है बुलाओ इसके पापा को पापा तो है ही नहीं वहाँ पे बस मेरा छोटा वाला भाई था पापा को बुला वो दौड़ के घर गया ज्यादा दूर पे नहीं था पापा आपको शिक्षा मंत्री बुला रहे पापा आए बोले आप इसको सिखा रहे हैं बोले नहीं तो उन्होंने बहुत समझाया पापा को तो असर पड़ा फिर मुझे परमिशन मिल गया कि तुम सीख सकते हो लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी अपने उम्र के बच्चों को जितना मैं गाना जानती थी उतना गाना दूसरे बच्चे को सिखाती थी जितनी पढ़ाई मैं जानती थी उतनी पढ़ाई किसी बच्चे को पढ़ाती थी नन्नी सी गुरु नन्नी सी गुरु <laughs> मैथ साइंस सब पढ़ाती थी संस्कृत मैथ साइंस संगीत सब पढ़ाती थी अलग अलग विद्यार्थियों को और किसी तरह पच्चीस तीस रुपया महीना मेरे पास जमा होता था उस समय तो इस तरह से मैं भी सीखने लगी क्या बात है आपने दो गीतों का जिक्र किया है अभी जी मैं रही थी कोई एक गीत उसमें से अगर आप गुनगुना दे तो हम यहाँ सुनते चलते बिल्कुल बिल्कुल।, बिल्कुल। <laughs> कौन सा ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं बहुत खूब। गीते लिखे दीवारों बहुत ही प्यारा गीत और आपने जो गुनगुनाया इतना अच्छा लग रहा है मुझे और तो मुझे है। लगता है कि जब हम गीत सुनते हैं तो लगता है बस आप गाते रहे हम सुनते रहे और जब आप बोलती हैं मीठा मीठा हाँ। इतने प्यार से तो मुझे भी ऐसा ही लगता है क्या बात अच्छा फिर विवाह के बंधन में बंधी आप थोड़ा आगे चले तो उनका कितना सपोर्ट रहा क्योंकि जब भी हम आपको कहीं देखते हैं तो उनके साथ देखते हैं जैसे परिवार में थोड़ा स्ट्रगल रहा आगे बढ़ने में फिर धीरे धीरे आपने चीजों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया ये सवाल के जवाब में जो कहानी आती है समस्या ये आई मेरे संगीत के विरोध में मेरे परिवार समाज में मेरे रिश्तेदार चाचा चाची बुआ उन लोगों ने तेरह चौदह साल में मेरी शादी करा दी और जहाँ शादी कराई वो बिल्कुल बेमेल विवाह था एक तरह से जी। ऐसे परिवार में हुई शादी जहाँ पर संगीत तो क्या मेरा पढ़ना भी पसंद नहीं था जी। और आपको कब बताऊ कि पढ़ाई में भी मैं वैसे ही अव्वल रही मेरे पापा को कभी फीस नहीं देनी पड़ी मेरे स्कूल कॉलेज में कभी पापा को पैसा खर्चा करना ही नहीं पड़ा मेरे स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप फीस माफ ऊपर से स्कॉलरशिप तो मैं पढ़ाई भी छोड़ना नहीं चाहती थी मेरा सपना था मैं आई एस बनू मैं सच बताती हूँ आपको और मुझे लगता था कि मैं बन जाऊंगी लेकिन विरोध इतने संघर्ष इतना कि एक छोटा नन्हा बच्चा कितना संघर्ष करेगा कहाँ कहाँ लड़ेगा वो सरगम रियाज करेगा तनाव होता है तो गाने वालों का गला बैठ जाता है प्रीति तो ये सब बहुत सहना पड़ा बहुत तरह के कष्ट झेलने पड़े पंद्रह साल की उम्र में माँ भी बन गई मैं एक नंडी बच्ची की माँ भी बन गई मौत से जूझ के मैं उस बच्ची को जन्म दिया गया मतलब न मेरे बचने की उम्मीद थी न बच्चे के बचने की लेकिन उस सब के बावजूद भी वो शादी चली नहीं <laughs> और हम अलग हो गए ये फैसला भी एक समय आने पर मैंने ही लिया जब मुझे समझदारी आ गई मेरी छोटी बहन की शादी हो गई तब मैंने ये फैसला लिया और मैंने तलाक दिया बच्ची को लेकर अलग रास्ता अपना शुरू किया तब तक मैं बिहार के स्तर पर बहुत पॉपुलर हो चुकी थी जी। बड़े बड़े कार्यक्रम नेशनल लेवल के मैं करती थी स्टेज मंचीय कार्यक्रम रेडियो टेलीविजन के कार्यक्रम तो मुझ में ये हौसला तो था और पर मैं शुरू से एक चीज और है मेरे अंदर आज के समय में मुझे अपने से मैच करता हुआ दिमाग के स्तर पर बहुत कम लोग दिखते हैं ईमानदारी मेरे अंदर कूट कूट के भरी है झूठ में नहीं बोलती और गलत मैं न सह सकती हूँ न किसी पर होते देख सकती हूँ इसके लिए मुझे बहुत कीमत भी चुकानी पड़ती है लेकिन आज भी मेरे अंदर वही बात है तो तब मैंने ये सोचा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई पर मैं इस नन्ही बच्ची को नहीं मरने दूंगी इसको मैं बना के दिखाऊंगी और ऐसे में मुझे सारे रिश्तेदारों का साथ छोड़ना पड़ा अपने पूरे घर परिवार का यहाँ तक कि अपने माता पिता का भी उन्होंने भी, भी पीछे ही हटना सही समझा उन्होंने सोचा कि इसको सपोर्ट नहीं करेंगे नहीं तो ये हाँ, अपने ससुराल में नहीं रहेगी वो तो नहीं। मुझे नहीं रहना था नहीं। मैं बच्चे को लेकर संघर्ष करते करते जमालपुर से पटना दो तीन साल पटना में रह के स्ट्रगल करके गाना गा के प्रोग्राम करके और 94 में मेरे नाना जी ने हमारी शादी करवाई जो मेरे पति हैं पांडे जी तो वो हमें 92 में मिल गए थे और उनके तरफ से बहुत प्यार भरा सम्मान भरा प्रस्ताव था लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी और मेरे अंदर से इस रिश्ते के प्रति कुछ बचा नहीं था ऐसे रिश्ते के प्रति लेकिन उन बहुत समझाते ही समझाते उन्होंने भी प्रयास जारी रखा फिर कुछ शुभ चिंतक हमारे जो थे जो चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए जी। और मेरे नाना जी मुझे बहुत प्यार करते थे वो बोलते थे बेटा अभी तू छोटी है तेरी बच्ची चार साल की हो गई जिंदगी बहुत बड़ी मतलब जो होता है समझाने का आखिरकार नाइनटी फोर में हमारी शादी हो गई कामाख्या मंदिर में गुवाहाटी में गुवाहाटी हाँ फिर पार्टी वार्टी हुई शाम को और अब हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं तब से आज तक और मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है बेटी भी है बेटी तो पहले से थी और बेटी की फिर हमने खूब पढ़ा लिखा के उसको बहुत काबिल बनाया है आज वो यूएस की एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही है बहुत अच्छा है? नाम कर रही है उसके बाद मेरा बेटा है मतलब एक बेटी और एक बेटा जी। बेटा मेरा भव्य बहुत अच्छा गायक है सूफी रॉक पॉप का अच्छा। और बहुत अच्छा नाम कर रहा है माँ का गुण कहीं ना कहीं गया बेटी भी बहुत अच्छा गाती है पर उसने प्रोफेशन नहीं बनाया बेटे ने इसी को कैरियर बना लिया तो आज के समय में बहुत अच्छा सब कुछ है मेरे पति ओंकारेश्वर पांडे सीनियर पत्रकार हैं बड़े बड़े टेलीविज़न चैनलों में अखबारों में संपादक रहे हैं जी अब परिवार का पूरा सपोर्ट है अब पूरा सपोर्ट है कहते हाँ। हैं विजय जी जिंदगी है तो मुश्किलें हैं मुश्किलें हैं तो हौसले हैं और अगर हौसले बुलंद है तो आप कुछ भी कर कुछ सकते भी कर सकते, हैं। सकते आपने जो चाहा वो आपने पा लिया हाँ। और मैं इस बीच में एक चीज मेरा रहा आप तो पढ़ती है मुझे मैं लिखती रही हूँ शुरू से जी पढ़ना लिखना और मेरे अंदर जो जिद थी की मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है तो मैंने दिया था एटी नाइन में अच्छा वो आई के लिए नहीं था वो था रेडियो टेलीविजन के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का अच्छा हाँ। आकाशवाणी से जुड़ना चाहता हाँ। <laughs> आकाशवाणी से तो मुझे शुरू से प्यार था और हाँ। मैं सिलेक्ट भी हुई मैंने उसमें फोक म्यूजिक का लाइट म्यूजिक का और क्लासिकल का तीनों का निकला था मैंने तीनों में दिया था मेरा क्लासिकल और फोक दोनों में हो गया नहीं किया आपने नहीं एक का तो मुझे पता चला कि मेरे जो ससुराल वाले थे उस समय तो मोबाइल और ये कोई सूचना थी नहीं डाक से खबर आती थी हुँ, हुँ। तो वो खबर कोई जला मिली नहीं सूचना मिली उसको जला दिया गया हुँ, हुँ। और उसे बहुत दिन बाद मिला पता चला तो बाद में फिर धीरे धीरे मैंने ये भी देखा कि उसमें एक चीज था की आप खुल के स्टेज शो नहीं कर सकते आप परमिशन के बगैर आपकी लाइन इधर थी इधर थी जो डेस्टिनी होती है वो कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाती है ये भी ठीक है हाँ। हम अब एकदम स्वतंत्र होके गाना चाहते हैं गाना चाहते हैं और भबार... गाती भी आप बिल्कुल दिल से हैं ज्यादा हाँ, <laughs> पूरे दुनिया भर में गा रही हूँ आज रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरी रे रंगी सारी गुलाबी चुनरी आ रे मुहें मारे मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो ओ, मुहे मारे नजरिया सावरिया तो जी हुआ, जी। हुआ सेमी क्लासिकल अंदाज का जी जी की जी होली जी। अपने मिजाज की जो बिहारी यूपी की होली होती है उस मिजाज में दो लाइन सुनाती जी 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 डाले डाल छ बात पूरा माहौल बना दिया आपने बहुत प्यारा बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातें करके वाकई में मजा आ रहा है और अभी कुछ कहने का मन बन रहा था तो जरूर कहना चाहेंगी वो कौन तेरी बजम की जाने बढ़ा है आज किसके कदम के फैज से गुंजा खिला है आज और ये जो गुंजा खिला है ये किसके आने से खिला है जब खुशबू मिट्टी की हो महक अपनी सभ्यता और संस्कृति की हो और उसमें शास्त्र संगीत की दमक भी हो तो ऐसे में एक ही नुमाया नाम आता है वो है विजया भारती जी क्या बात है शुक्रिया शुक्रिया बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया बहुत, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुझे भी आपने बहुत सारा काम किया है और जैसे आकाशवाणी का जिक्र हुआ था तो उसे साथ लेते चलते हैं आप एक ग्रेट कलाकार है तो पहली बार आकाशवाणी जब आई थी तो क्या सोच के आई थी और कैसे आए रेडियो में जब मैं बताया ना कि जब मैं संघर्ष कर रही थी कि मुझे गाने का परमिशन मिले उसी समय जब मैंने तेरह साल की उम्र टेंथ का एग्जाम दिया था तो हमारे जो साइंस टीचर थे स्कूल में पढ़ाते थे और वो मुझे घर पर भी पढ़ाने आते थे उनके ससुराल में हम दोनों भाई बहन को जाने की इजाजत दो दिनों के लिए मिली अच्छा। भागलपुर में अब भागलपुर में आकाशवाणी केंद्र है वहां उन्होंने मेरा फॉर्म भरवा दिया किसी को पता भी नहीं चला हम घर आ गए जब छह आठ महीने के बाद हमारे पास पत्र आया कि ऑडिशन देना है पापा बोले अरे ये लेटर पे भारत की राष्ट्रपति की ओर से ये क्या किसके लिए आया है भारती। गए लेकर मुझे ऑडिशन दिलाने ऑडिशन दिलाने गए तो आप यकीन करेंगी मुझे ना लोकगीत का ज्ञान था उस समय संगीत जानती थी मैं लोकगीत बस दो चार गीत जानती थी वहां दो सौ कैंडिडेट में नंबर वन पर मेरा सिलेक्शन हुआ क्या बात हाँ, तो उसके बाद जब पहली बार आकाशवाणी तो तो <laughs> हाँ, तो अच्छा ने तो मुझे बहुत आगे बढ़ने में सहयोग किया और रेडियो मेरा बहुत बड़ा दोस्त गुरु और लाइफ का सपोर्टर है मैं मानती हूँ इस तरह आकाशवाणी से जुड़ी फिर प्रोग्राम होने लगे मेरे रेडियो से तब तो होने लगे तब तो मतलब रेडियो में सुन सुन के स्टेज शो के इतने लोग आने लगे मेरे पास कि मैं आपको क्या बताऊं उस समय वो दौर था आपकी जो स्वर लहरी है वो लगभग लगभग बाईस देशों में सबने जी, सुनी जी 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 तो कोई वाकया जो आप अनुभव जो आप साझा करना चाहे हमारे साथ अनुभव तो बहुत सारे है प्रीति जी पर यूरोपीय देशों का अनुभव मुझे बहुत अपने देश के करीब लगा जैसे मैं हॉलैंड कई दफा जा चुकी हूँ एक बार मैं हॉलैंड गई जो पहली बार गई थी तब तब की बात बता रही हूँ तो मैं आईसीसीआर के माध्यम से गई थी जी। वहां पे जब एयरपोर्ट पे मुझे लेने रामो तार जी वहाँ के आए हाँ हाँ। तो वहाँ जो लोग भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनमें जो भोजपुरी भाषा है वो हमारे यहाँ के ठेठ भाषा से थोड़ा टूट फूट कर है डच वगैरह सब मिक्स होके है सरनामी डच तो वो फोन पे बात करते जा रहे हैं गाड़ी में ए भौजी काप मैं चुपचाप अच्छा सुनने का यार कौन आई हूँ मैं यहाँ का आदमी ऐसे बोल रहा है तो मैं बड़े ध्यान से सुने तो उधर से स्पीकर पे फोन था उधर से भंटा पकेनी भंटा समझती है बैंगन गोर वाला बैंगन अच्छा उधर से कोई लेडी बोल रही है भंटा पकेनी ओ भंटा पकेलू तब तो मजी आ जाएगी खाए में अब तनियाव तनिया मैं बहुत प्रेरित हुई मैं बहुत और फिर बाकी लोगों से मिल मिल के मुझे लगा कि हमारे देश के लोग हमारे संस्कृति के लोग अपनी भाषा को अब उतना नहीं बोलते हैं बोलना चाहते हैं और ये विदेशों में रह के जिंदा रखे हुए हैं मैं उससे प्रेरित हो कि मैंने एक गीत बनाया वो गीत सुपर डुपर हिट है क्या बात सुनाती सुना हाँ जी रोज चाही चोखा चटनी रोज चाही चोखा चटनी मोर भोजपुरिया के साथ में सतुआ के मकुनी मोर भोजपुरिया सैया के अरे अरे मोर रामा कैसे कटी ये चटोरा संग जिंदगी कैसे कटी दाल पकौनी भात पकौनी भंटा के तरकारी खूब प्यार से सजा धजा के लेके के थारी बिना चटनिया देख भोजनवा दूर फेंका थरिया नकिया में दम कैले ई मर्दा भोजपुरिया अरे <laughs> मोरे लस मोरा कलैया के अरे अरे मोरे रामा कैसे कटी चटोरा संग जिंदगी कैसे कटी क्या बात तो है मैंने वहां और यहां का मिक्स करके थोड़ा कल्चर और बहुत और रिदम। आपने बहुत सारा काम किया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आपकी सराहना की है हम भी करते हैं हम सब ये चाहते हैं कि बेटियां जो है वो बचे भी और बेटियां जो है वो पढ़े भी।, भी और आपने इस दिशा में बहुत काम किया है और कुपोषण को भी ध्यान में रखते हुए उसमें भी आपने बहुत काम जी, किया जी, है जी, जी, जी। तो मैं चाहूंगी कि उस पर भी थोड़ी सी जानकारी हम सबको दे करीब 2016 की बात है 2016 में मुझे प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से मुझसे संपर्क किया गया जी और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई पहले तो यकीन नहीं हुआ लेकिन फिर हुआ की प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती हूँ तो मैंने पूछा कि क्या करना होगा तो फिर मेरे पास बाकायदा चार पांच पन्ने का पत्र आया मेल पर मेरे वो पत्र मुझे बाय पोस्ट भी आया और मुझे कहा गया कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं में जो कुपोषण है उसके लिए कुछ काम करो उसके लिए चूंकि वहां तक मैं अच्छा लिख सकती हूँ जिस विषय पर चाहे लिख सकती हूँ ये बात वहां तक पता है जी तो मुझे कहा गया की ऐसे विषय पर आप लिखिए बनाइए और गाइए तो मैंने बहुत खुशी के साथ बहुत उत्साह के साथ इस विषय पर बहुत काम किया और बहुत गाने बनाए रिकॉर्डिंग की और वो अलग अलग विभागों में वो गाने सुने जाते हैं सुनाए जाते हैं या जो भी उसका उपयोग है हाँ हाँ। उस तरह से हो रहा है जी तो आपको बहुत आनंद आया और आपने हाँ। इस दिशा में बहुत काम किया बहुत काम किया मैं आपको एक उसमें से जैसे बेटी होने पर ज्यादातर लोग हमारे यहाँ तो निराश उदास हो जाते हैं जी। और इसके खुद भुक्त भोगी मैं खुद हूं तो जो आदमी खुद अनुभव करता है उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा जीवंत होती है मैंने कहा क्या यार बेटा हुआ है तो डंका बजाओ ढोल बजाओ थाली बजाओ मिठाई बांटो अब बेटी हुई तो सारे मुंह लटका लो जिसने बेटी को जन्म दिया उसे ढंग से खाना नहीं देते हैं उसके बाद उदासी का ऐसा माहौल कर लेते हैं जैसे मातम फैला हुआ हो तो मैंने गाना बनाया सजाओ सबका मुंह मीठा कराओ कराओ घर में बेटी भाई घर में बेटी भाई फूलों की लड़िया नगाड़े बजाओ बजाओ घर में बेटी भाई घर में बेटी भाई क्या बात ऐसे उत्साह उत्साहजनक गीत सब मैंने बहुत सारे लिखे जी जी विजय जी आपको बहुत सारे अवार्ड मिले बहुत सारा सम्मान मिला वैसे तो सम्मान हम उसे मानते हैं जब आप मंच पर कार्यक्रम कर रही हैं और जो श्रोताओं के मुख होते हैं मुस्कुराते हैं तालियों से स्वागत करते हैं कभी फूल बरसाते हैं उसे हम अवार्ड मानते हैं लेकिन आपने बहुत सारे अवार्ड मिले बहुत सारे सम्मान मिले जी, आपको जी, जी। तो कुछ हमारे श्रोताओं को भी बताइए जो तो पहले आपने कह दी बात ना वो दिल की बात कह दी आपने हमें सचमुच में अभी तक के जीवन में खुशी का सबसे अनोखा क्षण मेरे लिए वही होता है जब हम मंच पे बहुतों के बीच में गा रहे होते हैं और सामने से जो तालियां मिलती हैं और वाहवाही मिलती है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है तभी साबित होता है कि आप कितने कामयाब हैं परीक्षा आप कितना सही तरीका से दे रहे हैं और कैसे आप डिस्टिंक्शन में पास हो रहे हैं लेकिन वैसे अवार्ड की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं राज्य स्तर के नेशनल स्तर के मेरे दो फ्लोर के मकान में अवार्ड रखने की जगह नहीं है नीचे से ऊपर तक स्वीच। आ, हम एक को आगे एक को पीछे ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं फिर एक नया जुड़ जाता है उसमें तो उसमें बहुत सारे अवार्ड हैं बिहार गौरव है स्वर साधिका है बेस्ट लोक फोक सिंगर अवार्ड है किस अवार्ड की तमन्ना आपको रही और आपको मिला जिसकी तमन्ना है वो अभी नहीं मिला है उसका इंतजार है उसका इंतजार के लिए मैं नहीं कह सकती पर कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है आप लोगों के आशीर्वाद से कि शायद अब मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे वो दो चार साल पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन मैं प्रयास में रहूँगी मैं इंतज़ार में रहूँगी कि वो अवार्ड मुझे मिले मैं बहुत भाग्यशाली हूँ भगवान ने मेरे नसीब में मेरी किस्मत में जिंदगी में संघर्ष तो बहुत ज़्यादा रहा संघर्ष की वो कहानी पूरी अगर पढ़ने लगे कहने लगे तो शायद लोग यकीन भी ना करेंगे कि ये वही विजया भारती है कि वो सब सहकर आज विजया भारती बनी है लेकिन मुझे इस बात का है कि मैंने हार नहीं मानी कभी कभी मैं दुखी हुई निराश हुई टूटी रोई लेकिन उसके बाद हमेशा हौसला खींच कर मैं आगे बढ़ती रही और अंततः कामयाबी अभी तक तो बहुत अच्छी मिली आगे भी मिलती रहेगी आमीन शक्कर <laughs> जी आज बहुत आनंद आया आपसे बातें करके हालांकि समय ये कहता है कि समय समाप्ति की घोषणा लेकिन हम ये कहेंगे कि बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आपसे अगली मुलाकात का हमें इंतजार रहेगा मुझे भी मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद इजाजत नमस्कार